Hey guys, what's up? Welcome back to another video. So welcome back to Balance Lifestyle. स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। तो जी अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं तो वीडियो को लाइक कर दो एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना इस वीडियो को। तो जी हम आजकल काफ़ी रिव्यू वीडियोज़ बना रहे हैं, आपको बहुत पसंद आ रही है, कंपेरिजन वीडियोज़ बना रहे हैं, आप लोग उसको पसंद कर रहे हैं। तो आजकल मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके वीडियोज़ के पोस्ट करूँ एंड कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है तो बट हम फोकस कर रहे हैं रेगुलर पोस्ट करने के लिए। तो आज आपके लिए एक और वीडियो लेके मैं आ चुका हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम है आर्यन शर्मा, स्वागत है आप सबका बैलेंस लाइफस्टाइल पे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एल्पिनो के दो प्रोडक्ट्स के बारे में, या इन जनरल जो दो आपके सीरियल्स कह सकते हो आप, या आपके ऑप्शंस है ब्रेकफास्ट के लिए, स्नैक्स के लिए, जिसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन से कंज्यूम करने चाहिए कौन से नहीं करने चाहिए। तो हम बेसिकली बात करने वाले हैं ओट्स एंड म्यूसली के बारे में। तो ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मेरे पास इस सेम ब्रांड के दोनों चीज़ें पड़ी थी इसलिए मैं ये दिखा रहा हूँ आपको। आज हम इन दोनों का कंपेरिजन करने वाले हैं कि क्या आपको ओट्स खाने चाहिए, क्या आपको म्यूसली खाने चाहिए, आप कोई भी खा सकते हो, एंड दोनों में क्या डिफरेंसेस है, क्या दोनों का प्राइस है एंड दोनों के क्या जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे, हम शुरुआत करेंगे अपने सुपर ओट्स से जो कि एल्पिनो के हैं। तो जी ये इसके मैंने एक रिव्यू वीडियो डाली हुई है, आप लोगों ने देखी होगी, वो अगर नहीं देखी आप जाके चेकआउट करना। तो इसकी 100 ग्राम की सर्विंग में आपको जो है 21 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलेगा एंड इसके में आपको मिलेगा 16.3 ग्राम्स ऑफ फैट्स, जो कि हल्का हायर साइड पे है एज कंपेरिजन टू अदर ओट्स। एंड इसमें कैलरीज मिलेंगी आपको 450 कैलरीज, प्लस इसमें आपको कार्ब्स मिलेंगे 56 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स एंड नो एडिड शुगर, जो कि एडिड शुगर नहीं है। एंड प्रोटीन है इसमें आपका 21 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स की बात करेंगे इसकी, तो इसमें है रोल्ड ओट्स, नेचुरल पीनट बटर जो अनस्वीटेंड एंड सबसे कोकोआ पाउडर, ये जो इसमें है मेन इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। ठीक है, एंड ये आपको ये 249 का पैक है, 400 ग्राम्स का पैकेज है मेरे ख्याल से, जी 400 ग्राम्स का पैकेट है 249 रुपीज़ का। अगर आप वो थोड़ा बड़ा पैकेट लोगे तो आपको 450 करीब मेरे ख्याल से 1 केजी मिल जाएगा। तो जी ये रहे आपके ओट्स के बारे में, एंड ये मैंने काफ़ी कंज्यूम किए हैं, मुझे इसका टेक्स्चर काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी क्रंची सा टेक्स्चर है, इसी रीज़न की वजह से मैं इसको हल्का सा किसी ओट्स के आगे रखता हूँ बाकी ब्रांड्स के आगे। बट आप लोग सोचोगे कि बाकियों में हल्का प्रोटीन भी ज़्यादा है, बाकियों में हल्के फैट्स भी कम है। तो मेरा कहना खाली हमेशा ये रहता है कि भाई मैं खाली ओट्स पे डिपेंड नहीं रहता हूँ अपनी प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करने के लिए। अगर मैं खाली ओट्स पे डिपेंडेंट हूँ तो मैं इस चीज़ का थोड़ा और सोचूंगा इसके बारे में, बट मेरा ये ओट्स जो है एक मेरे पूरे डे का एक पार्ट है, इट्स जस्ट अ मील फॉर मी। मैं खाली इस पर डिपेंडेंट नहीं हूँ, तो मेरे लिए 2-3 ग्राम ऊपर नीचे प्रोटीन का हो सकता है एंड टेस्ट कभी कभी मैटर करता है आपके लिए किसी चीज़ में, तो इसलिए मैं प्रेफर करूँगा। हालांकि मैं वो ओट्स भी खाता हूँ, मैं हर तरह के ओट्स खाता हूँ, बस बहुत ब्रांड के ओट्स पड़े हैं, मैं आपके लिए वीडियोज़ बनाता हूँ एंड उनको कंज्यूम करता हूँ, बट मैं हल्का सा इसमें प्रेफरेंस देता हूँ क्योंकि इसके टेक्स्चर की वजह से मैं इसको प्रेफरेंस देता हूँ। बात करेंगे म्यूसली के बारे में, तो म्यूसली थोड़ी अलग चीज़ होती है भाई। ओट्स म्यूसली में बेसिकली एक तरह से मिक्सचर होता है जिसमें आपकी व्हीट फ्लेक्स, कॉर्नफ्लेक्स, आपके ओट्स और चीज़ें मिलती है। आपको मैं बता दूं कि ये है जी एल्पिनो की सुपर म्यूसली, इसकी 100 ग्राम्स की सर्विंग में आपको 19 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलेगा एंड इसके इंग्रेडिएंट्स हैं व्हीट फ्लेक्स, कॉर्नफ्लेक्स, पीनट बटर, रोल्ड ओट्स, क्योंकि यही है इसमें, ओट्स इसमें भी डले हुए हैं एंड राइस फ्लेक्स भी, इसके अंदर रेजन्स हैं, ऑलमंड्स हैं, रागी फ्लेक्स हैं, वाटर, कोकोनट फ्लेक्स एंड कॉमन सॉल्ट, एंटीऑक्सीडेंट एंड फ्लेवर सब्सटेंसेस वगैरह इसके अंदर हैं। एंड अगर आप बात करेंगे कौन सा मोर न्यूट्रिशियस है तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इसमें खाली सिंगल ओट्स ही हैं बट इसमें डिफरेंट ग्रेन्स का मिक्सचर है विच मेक्स इट मोर हेल्दी एंड ऑल्सो इसमें प्रोटीन भी अच्छा है, एडिड शुगर भी नहीं है, तो ये एक बेटर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। बट आप दोनों कंज्यूम कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि यही खाना है आपको, आप दोनों चीज़ें खा सकते हो। एंड इसके बारे में बात करें, इसकी न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें, तो इसकी 100 ग्राम्स की सर्विंग में आपको 420 कैलोरीज मिलेंगी विच इंक्लूड्स 19 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड 62 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड एडिड शुगर इसके अंदर जीरो है एंड फाइबर इसमें मिल जाएगा आपको 11.3 ग्राम्स। ओट्स में आपको फाइबर मिलता है आपका कहाँ पे गया 17.1 ग्राम्स, विच मतलब फाइबर ज़्यादा आपको ओट्स में मिलेगा। तो आप ये दोनों जो है यूज़ कर सकते हैं एंड इसी ब्रांड की बात नहीं करो, आप किसी भी ब्रांड के बारे में बात करो, आप जानते हैं कि मेजरली लोग काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ओट्स के बीच में, म्यूसली के बीच में, कॉर्नफ्लेक्स के बीच में। तो मेरे हिसाब से कॉर्नफ्लेक्स जो है ना हमेशा एंड में आएगा इनमें से, क्योंकि कॉर्नफ्लेक्स जब आप उसका न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है, जो आप मार्केट में आपको मिलता है उसके अंदर जो माल्टोटेक्सचर वगैरह डला होता है, तो जिससे जो है उसकी वैल्यू थोड़ी गिर जाती है। बट इस तरह की जो
ओट्स हैं, म्यूसली हैं, उसमें चीज़ें इतनी ऐड नहीं होती हैं, विच मेक्स इट मोर न्यूट्रिशियस एज कम्पेरिजन टू कॉर्नफ्लेक्स। तो कॉर्नफ्लेक्स को हमेशा मैं नीचे रखूंगा इन कम्पेरिजन टू ओट्स एंड म्यूसली। एंड मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं तीनों को कंपेयर करके दिखाऊंगा आपको, तीनों सामने रख के आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ओट्स में, कॉर्नफ्लेक्स में एंड आपकी म्यूसली में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड बात करेंगे कंक्लूजन के बारे में, तो मैं तो दोनों कंज्यूम करता हूँ, आप कोई भी कंज्यूम कर सकते हो। करंटली इस ब्रांड के बारे में बात करें तो ये चॉकलेट फ्लेवर में है, ये है आपकी नट डिलाइट में, चॉकलेट फ्लेवर में भी आपको म्यूसली मिल जाएगी, अवेलेबल है, आप कंज्यूम कर सकते हो। इसमें 19 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है, इसमें 21 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है। ये हल्की सी एक्सपेंसिव है, ये हल्की सी सस्ते है ओट्स। ये इसकी पैकेज, इसका पैकेट रेट है 329 रुपीज़, इसका 249 रुपीज़ है, तो फ़र्क है थोड़ा रेट में। एंड ये थोड़ा हायर इन फैट है एंड ये जो है थोड़ा लो इन फैट है, इस कंपेरिजन दोनों में कंपेरिजन करें आप। तो आपके ऊपर आपको कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना है, आप दोनों यूज़ कर सकते हो, आप इसको स्नैक में कंज्यूम कर सकते हो, आप इसको ब्रेकफास्ट में यूज़ कर सकते हो, पोस्ट वर्कआउट मील यूज़ कर सकते हो, जैसा आप चाहे इसको यूज़ कर सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।